और चलिए अब एक नजर डालते हैं प्रदेश की 25 बड़ी खबरों पर। बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि बाबरी विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। बाबरी विध्वंस को लेकर सीबीआई कोर्ट के फैसले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मामले में 32 लोगों को किसी भी षड्यंत्र में शामिल न होने का निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। इस निर्णय से यह साबित हुआ है कि देर से ही सही मगर न्याय की जीत हुई। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद अब अंतिम संस्कार को लेकर विवाद गहरा गया है। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस पर बिना मंजूरी शव का अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मामले में 3 सदस्यीय एसआईटी गठित करने के निर्देश दे दिए हैं। 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। सीएम योगी ने कहा है कि दोषियों को बख्शेंगे नहीं। गैंगरेप पीड़िता के शव का आधी रात में अंतिम संस्कार किए जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत की एक बेटी का रेप कत्ल किया जाता है, तथ्य दबाए जाते हैं, अंत में उसके परिवार से अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया जाता है। पूरी दुनिया में कोरोना से मची हाहाकार। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,38,00,000 के पार। अब तक 10,00,000 से ज्यादा की मौत। देश में एक दिन में सामने आए 80,500 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 62,23,519। अब तक 97,529 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही है रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 3,227 नए मरीज। एक दिन में गई 48 लोगों की जान। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,562 नए केस सामने आए हैं। वहीं 25 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 14,804 पर पहुंच चुकी है। गुरुग्राम में कोरोना को हराने के लिए जिला प्रशासन और सामाजिक संस्था ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया है। साथ ही कोरोना से ठीक हुए मरीजों से प्लाज्मा डोनेट करने की मांग की गई। विधायकों की तर्ज पर विधानसभा चुनाव के बीजेपी उम्मीदवार से हर बुधवार मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर हर हफ्ते बीजेपी विधायकों से मुलाकात करते हैं। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा जेजेपी बीजेपी मिलकर लड़ेंगे बड़ौदा उपचुनाव और जीत हासिल करेंगे। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने प्रदेश सरकार पर धान की खरीद को लेकर निशाना साधा है। किरण चौधरी ने कहा करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और अंबाला की मंडियों में किसानों के धान की खरीद नहीं हो रही। हरियाणा कांग्रेस की कार्यकारी मेंबर और महिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उप प्रधान विमला सरोहा ने कहा है कि 2 अक्टूबर को किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में हरियाणा प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में उतरकर रोष प्रदर्शन करेगी। अंबाला में धान की खरीद न होने से खफा किसान एक बार फिर से धरने पर है। किसानों ने प्रदर्शन करते हुए हिसार रोड को जाम कर दिया है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में रेलवे ट्रैक भी रोका जा सकता है। घरौंडा में किसानों और आढ़तियों ने धान खरीद को लेकर प्रदर्शन किया है। नेशनल हाईवे के सर्विस लेन को जाम कर दिया है। मौके पर भारी पुलिस को बुलाया गया और वहीं सरकार के निर्देशानुसार जिले की मंडियों में 1 अक्टूबर से बाजरे की सरकारी रेट पर खरीद की जाएगी। रेवाड़ी के जिला उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को उनकी फसलों की बिक्री में किसी भी तरह की कोई समस्या न हो। टोहाना में कृषि विभाग को पिछले 3 दिनों में 6 लोकेशन ऐसी मिली हैं जहां पराली को जलाया गया है। कृषि विभाग ग्राम स्तर पर ब्लॉक स्तर पर कमेटी बनाकर जांच में जुट गया है। जांच के बाद दोषी किसानों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि बीजेपी बहुत पहले से ही बड़ौदा उपचुनाव की तैयारी कर रही है। बूथ स्तर तक की योजना बनाई जा रही है। बड़ौदा में बीजेपी का किसी से मुकाबला नहीं। बड़ौदा उपचुनाव की घोषणा होते ही नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। जीत कांग्रेस के उम्मीदवार की होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा की जनता इनेलो के साथ है, वहीं कांग्रेस के साथ भी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव में उतरने के लिए तैयार है। वहीं उन्होंने कहा कि बड़ौदा के लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं। बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा बीजेपी और कांग्रेस में बड़ौदा के साथ अनदेखी की गई है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देते हुए कहा है कि चुनाव में हुड्डा खुद लड़कर इसे साबित करें। अभय चौटाला ने कहा कि यह चुनाव हरियाणा की राजनीति में बदलाव लेकर आएगा। यमुनानगर में एक पिता पर 6 साल की मासूम की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता बेटी होने से नाराज था। आरोपी की पत्नी ने पुलिस को शिकायत दी।
सोनीपत पुलिस ने एक ऐसे संकी को गिरफ्तार किया है जिसने मंदिर में लगी मूर्तियों को खंडित कर दिया। पुलिस ने बताया कि युवक की मन्नत पूरी नहीं हुई, इसी के चलते उसने ऐसा काम किया। बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में अवैध सब्जी विक्रेताओं को हटाने का काम शुरू हो गया है। एसडीएम हितेंद्र शर्मा ने सब्जी मंडी के निरीक्षण के दौरान ये आदेश दिए हैं। अपनों से छुपने का मतलब